जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे, जब राहु तीसरे घर में बैठे होते हैं और केतु जब नाइन्थ हाउस में बैठे होते हैं तो किस प्रकार से जो है जातक को अपने जीवन में फल देते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप अवश्य जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो आपके जीवन में, आप मुझे अवश्य पूछ सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपके जीवन में राहु केतु क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं, ईमेल के द्वारा भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक और बात है दोस्तों, किसी को भी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर सीखनी हो, क्लासेस लेने का उनका इच्छा हो, तो वो भी उसके लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। फीस जानने के लिए या कोर्स वेयर जानने के लिए आप मुझे इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के द्वारा भी सब आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों जिनकी भी पत्री में राहु और केतु इन पोजीशन में बैठे हैं कि राहु तीसरे घर में और केतु नाइन्थ घर में, ये एक तरीके का फिर भी सारी पोजीशंस में एक्सेस में कह सकते हैं कि थोड़ा ऑस्पिशियस रिजल्ट प्रदान करता है ये लोगों को, क्योंकि राहु जहाँ पे जो है मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आदमी को देता है, मतलब धन है, वैभव है, नाम है, देने की कोशिश करता है, तो वहीं जो नाइन्थ हाउस में केतु है उनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जो है, रिलीजन से जो है, अपने आप को समझने के लिए एक तरीके से बांधे रखता है। तो दोनों एंड्स आप कह सकते हैं कि सही है, ये अच्छा माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ये जो इन लोगों का यहाँ पे बैठना होता है। राहु यहाँ पे तीसरे घर में आपको हर प्रकार का साहस देता है, करेज देता है बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस देता है बहुत ज़्यादा, या कभी कभी दुस्साहसी भी बना देता है यहाँ पे राहु। ये भी देखने योग्य बात होती है कि दुस्साहस में हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में कई चीज़ों के लिए हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हर प्रकार का हम लोगों को जो है करेज है, कॉन्फिडेंस है, हम लोगों को प्रदान करता है। हाँ, ईगो थोड़ी हमारी कुछ ज़्यादा बड़ी कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो हम लोगों के जीवन में जो हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे हमारे भाई बंधु हो गए जो तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है, मित्र हैं या कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं हमारे जीवन में, शायद उनके साथ जो है राहु यहाँ पे सही तरीके से हमारा बनने नहीं देता है जीवन में, उनसे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा इस तरीके से होता हुआ देखा जाता है। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हमारी फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, बोलने की ताकत है, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारा पैशन है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बल देता है। चाहे उसमें हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी है, राइटिंग एबिलिटी है, हमारे जीवन को ये बढ़ा देता है। एक बात मत भूलिएगा कि तीसरे घर में बैठा हुआ राहु आदमी को जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, बदलाव की तरफ अवश्य ले जा सकता है, क्योंकि तीसरा घर जो है आठवें घर से आठवां होता है, तो कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन उनको अपनी जीवन से निकलने पड़ते हैं, गुजरने पड़ जाते हैं इन लोगों को भी। जहाँ पे भी राहु का डिस्पोजिटर बैठा होगा वो हम लोगों को सही तरीके से बताएगा कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशंस या बदलाव हमारे जीवन में अच्छे होंगे या हमको उनकी वजह से किसी प्रकार की चुनौतियाँ देखनी पड़ेंगी। और राहु देखिए, इस जन्म में जब हम लोग पैदा होते हैं इस लाइफ में, तो ज़्यादा फोकस राहु पे ही इस जन्म के लिए होता है, क्योंकि अभी जो भी हम लोग पा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हम लोग करना चाहते हैं, उसके लिए राहु ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेजेंट लाइफ के लिए जितनी भी है।
जो भी शॉर्ट जर्नीज हैं हमारे जीवन में, उन सब का कारक राहु होता है। उसमें कई प्रकार के फायदे भी हम लोगों को प्रदान करता है, कई प्रकार के हम लोगों को उसको उससे प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग जर्नीज होती हैं हमारे जीवन में, वो शायद कभी कभार मुश्किल पैदा करती हैं ऐसी पोजीशन में, क्योंकि सामने केतु बैठा होता है और वो शायद ये चीज़ें नहीं होने देता है। फॉरेन है या फॉरेन कनेक्शंस जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं। अगर केतु जो है नौवे घर में बहुत सुंदर राशि में ना बैठा हो, या उसका डिस्पोजिटर अच्छे घर में ना बैठा हो, तो लंबी यात्राएं या बड़े लंबे विदेशवास शायद ये नहीं होने देता है आदमी के जीवन में। एक बहुत सुंदर बात भी है इस कॉम्बिनेशन की कि जब राहु तीसरे घर में बैठे होते हैं और केतु जब नाइन्थ घर में बैठे होते हैं, तो ऐसे में आदमी प्रेरित होता है कि अपने हाथ में वो कलम उठाए या तलवार उठाए। ये एक चीज़ इस एक्सिस के बारे में कही जा सकती है। या तो वो बहुत ज़्यादा समझदार, ज्ञानी, अपनी कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल, बोलने की शक्ति, इससे बहुत ज़्यादा अपने जीवन को आगे कर सकता है। या फिर किसी मायने में भी तलवार उठाने का मतलब है किसी मायने में भी अगेंस्ट हो सकता है सोसाइटी से, तो उसके लिए किसी प्रकार का भी रूप अपना सकता है। और जो ये प्रोवर्ब है जो कि जो आदमी जो पेन माइटियर देन स्वॉर्ड होता है, ये शायद इसी एक्सिस के लिए ही लिखा गया है कि इस एक्सिस में बैठे हुए जो राहु और केतु होते हैं प्रेरित करते हैं आदमी को कि या तो वो अपने हाथ में कलम उठा के जीवन में बदलाव करे अपने और दुनिया में, और चाहे वो जो है कुछ गलत तरीके भी अपना लें। क्योंकि ये मत भूलिएगा कि तीसरा घर डिज़ायर का होता है, इच्छा का होता है, और इच्छा कभी जब भटक जाती है तो कई प्रकार के विध्वंस भी लेके आती है अपने साथ। ये देखना पड़ेगा आदमी को कि वो राहु आपके घर में तीसरा बैठा हुआ किसके साथ बैठा है, कौन से असर पड़ रहे हैं, उसका डिस्पोजिटर कहाँ है। तो वो आपको जो है बुद्धिमानी की तरफ पेन उठवाएगा आपके हाथों से, समझदारी करवाएगा, ज्ञान देगा आपको इच्छा पूरी करने के लिए, फेमस, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी पाने के लिए, या कुछ गलत तरीकों की तरफ आप लोगों को ले जा सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ जो राहु होता है ज़्यादातर लोगों को अच्छा कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करता है। अच्छे एथलीट्स होते हैं वो लोग, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे करते हुए देखे जाते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, गुड ओरेटर्स होते हैं, आर्मी में जनरल, सोल्जर्स इस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। टूरिज्म से उनका बहुत पाला पड़ता है, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से, चाहे वो इंटरनेट हो, टेलीविज़न हो, आजकल के ज़माने में रेडियोज हो, इंटरनेट हो, जैसे हो, उनसे बहुत पाला पड़ता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स जो होते हैं या जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, बहुत कुछ बदलना चाहते हैं इस दुनिया में, उनका भी जो है यहाँ तीसरे घर का राहु से अर्थ निकल के आता है। माता जी के लिए कभी कभी अच्छा नहीं होता है, कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाता है राहु। तीसरे घर का राहु जनरली आदमी को अपने ही भाई बहनों में सबसे एल्डर बनाता है या सबसे यंगेस्ट बनाता है। यहाँ तीसरा बैठा हुआ राहु उम्र लंबी देता है, आयु के लिए ये राहु तीसरे घर का बहुत अच्छा होता है। अपनी लॉजिक और अपनी रीजनिंग को यहाँ पे निखारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब तीसरे घर में राहु बैठा होता है, ये देखने वाली बात होती है। अपना जो आपका मेंटल एक्सप्रेशन है, कोई रैशनल एनालिसिस है, तर्क वितर्क की बातें हैं, ये थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। कई बार ऐसा आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जीवन में, कई बार गलत एक्सप्रेस कर देता है, या कई बार इनके व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होते हैं तो कई प्रकार के डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं इनके पूरे लाइफ में। हर जगह जो है इस तरीके की बातें इन लोगों को देखती, इन लोगों को हमेशा जो है फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, जो भी होते हैं अपने जीवन में फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई बात कोई कह दी और इन्होंने मान ली, और इन लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जितने लॉजिकल, जितना रैशनल हो सकते हैं
उतना होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक बात ये जरूर कहूँगा कि इस पॉइंट के साथ साथ कि यहाँ पे कई लोग जो हैं नास्तिक कह सकते हैं ऐसे लोगों को आप, जब तीसरे घर में राहु बैठा होता है, क्यों? क्योंकि वो लोग कई बार जो हैं सिर्फ साइंस और सिर्फ लॉजिक और सिर्फ आजकल के जमाना मॉडर्निज्म इसके ऊपर हमेशा जो है बात करते हैं, और एकदम से जो है फिर नौवे घर की चीज़ों को, जहाँ केतु बैठा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, उसको मॉक कर देते हैं, उसको नहीं मानते हैं, जिसका खमियाजा उनको अपने जीवन में बाद में उठाना पड़ता है, उस तरफ उनको जाना ही पड़ता है अंततः। और राहु जैसे मैंने कहा है जहाँ बैठा होता है वहाँ पे देखिए उस घर के बारे में ज़्यादा ही हम लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो राहु तीसरे घर में बैठा होता है तो आजकल के ज़माने के हिसाब से अपना साइंस है, लॉजिक है, रीजंस चाहिए हर बात में, जिसकी वजह से एकदम से जो है स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को, गुरुओं को, इनको मानना छोड़ देते हैं, जिससे काफ़ी बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे बैठे हुए राहु के कई बार जो विचारों में जो है तालमेल नहीं होता, आदमी का बन नहीं पाता, या यूं कह लीजिए बहुत बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं, जिसकी वजह से भी उनको कई प्रकार की परेशानी होती है। अपनी डीपेस्ट जो फीलिंग होती हैं इनके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं इन लोगों को दिखाने में, बताने में लोगों को परेशानी होती है, जबकि इनको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों के साथ जिनको भी परेशानी हो रही है, अपने आप को बताना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले होते हैं, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिस भी चीज़ में इनकी इच्छा हो, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं जिसमें भी इनका इंटरेस्ट होगा, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई कुछ चीज़ हो, जिसमें आपका एस्ट्रोलॉजी हो, हर प्रकार से दुनिया जहान से ये लोग हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लोगों को भी देते हैं, आप इनको मैसेंजर्स भी कह सकते हैं, ये लोगों के मैसेंजर्स भी होते हैं, उनकी तरफ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, अपने लिए हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है, ये लोग करते रहते हैं। इन लोगों को सीखना पड़ेगा कि अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें, बताएं लोगों को, क्योंकि उसकी वजह से कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। ईगो को अपनी थोड़ी कम रखें, हर बैलेंस बना के इन लोगों को चलना पड़ता है, आज के जीवन के साथ भी, डिज़ायर्स के साथ भी, अपने हर प्रकार के मटीरियलिज्म के साथ भी और स्पिरिचुअलिटी के साथ भी इन लोगों को जो है एक बैलेंस बना के चलना पड़ता, नहीं तो कई रिश्ते, कई परेशानियां जो हैं इसकी वजह से हो जाती हैं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं कई बार, और यहाँ पे बड़ा मैनिपुलेटिव भी बना देता है राहु जब तीसरे घर में बैठा होता है लोगों को, तो लोग बहुत मैनिपुलेशन में पड़ जाते हैं, और इसीलिए जो वो कहते हैं आप उनको जल्दी जल्दी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए वो आपको क्या बात कह रहे हैं जल्दी जल्दी, आपको कब वो हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, जब तीसरे घर में राहु किसी के बैठा होता है जल्दी जल्दी ये कोई जान नहीं पाता है उनके अंदर के मनोभाव, ये सारी चीज़ें। कोई बहुत सडन या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इन लोगों को अपने जीवन में अवश्य सुनने को मिलती हैं, और इन लोगों को मैंने बताया है कि क्रिटिसाइज़ बहुत किए जाते हैं अपनी व्यूज़ को लेके, क्योंकि बहुत एक तो हार्डकोर मटीरियलिज्म होता है, डिज़ायर्स पूरी करने के लिए अपनी किसी हद तक भी जाने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार के जो आप ये समझ लीजिए स्पिरिचुअलिटी को मानना नहीं, एकदम से नकार ही देते हैं कई दफ़ा जब तीसरे घर में राहु बैठा होता है, क्योंकि इस समय फिर वो उसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। यहीं से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इन लोगों के जीवन में खड़ी हो सकती हैं। बाकी जहाँ पे राहु का डिस्पोजिटर तीसरे घर का बैठा होता है वो बताता है कि ये अपने जीवन में इस तीसरे घर के राहु से फ़ायदा ले पाएंगे, प्रसिद्धि ले पाएंगे, समझ पाएंगे, एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, कोई एक्टिंग मॉडलिंग, कोई कम्युनिकेटर, कोई अच्छे तरीके का राइटर बन पाएंगे जीवन में, लोगों में अपनी पहुंच बना पाएंगे, कोई मैनेजर, कोई कुछ, या फिर अपने आप को स्कैटर कर देंगे। ये आपकी जन्म पत्रिका से जहाँ पे राहु का डिस्पोजिटर बैठा हुआ है उसके ऊपर क्या क्या असर हो रहे हैं उससे पता चलता है। यहाँ पे इन लोगों की जो स्पीच होती है तीसरे घर में जब राहु बैठा होता है वो भी कई बार बड़ी हार्श हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है, रूड हो जाती है, कई बार ये लोगों को कर्स भी करते हैं, जैसे किसी को
बुरा भला भी कहते हैं, तो इस घर के ये ऐसा नहीं काम करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु जब ये काम कर रहा होता है तो आप ये सोचिए कि किसी ना किसी तरीके के आग जो हैं वो रिवर्ट हो रही होती हैं आपकी चीज़ें, और नौवें घर में जो केतु बैठा हुआ है फिर उसके हिसाब से आपको वो फल देता है जो कि काफ़ी भयानक होता है। कोई ना कोई इनके हाथों की बड़ी सुंदर कला होती है, कुछ बड़ी यूनिक सी ये लोग कोई चीज़ें बनाना करना ये जानते हैं, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो ये दे आर वेरी जो अपने हाथों के स्किल्स से ये लोग बड़े जो हैं दक्ष होते हैं जीवन में, आप ये कह सकते हैं इन लोगों के लिए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है साहस है, ऊर्जा है, हर प्रकार के लाभ हैं, हर प्रकार के प्रॉफिट्स हैं, करेज है, स्टैमिना है, हर प्रकार का यहाँ पे राहु देता है। बस इसको अपने कम्युनिकेशन, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी डिज़ायर्स, अपने पैशन, इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहना या ईगोइज़म में चले जाना या अपने आप को कभी एक्सप्रेस ना कर पाना खुल के, ये किस कई तरीके की जो हैं प्रॉब्लम्स फिर यहाँ पे राहु में देखी जा सकती हैं। और डार्कर साइड पे अगर राहु किसी की पत्री में काम कर रहा है तो अब नॉर्मल बिहेवियर किसी चीज़ को भी लेके हो सकता है, वजह क्योंकि आठवें घर से आठवां होता है, तो कई प्रकार के जो है आप ये समझ लीजिए अपने माता पिता से रिलेशंस ख़राब, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस ख़राब, पैसा चीटिंग से लोभ इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसी को मैनिपुलेट करके चीट करके पैसा कमाने की प्रवृत्ति आ जाती है यहाँ पे, तो फिर राहु दूसरे एरिया में जाके काम करने लग जाता है। अन्यथा यहाँ पे बैठा हुआ तीसरे घर का राहु हर प्रकार से जो है शुभ रहता है, बहुत जो है कई प्रकार की उपलब्धियाँ, पद, पोजीशन, रिकग्निशन, प्रसिद्धि आदमी को दिलवाने की कोशिश करता है। ज़्यादातर जो ये प्लेसमेंट होता है जब राहु तीसरे घर में बैठा होता है और केतु नाइन्थ घर में बैठा होता है, तो इन लोगों का जो फर्स्ट हाफ होता है लाइफ का ये आप कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, अचीवमेंट से भरा होता है लाइफ जो है कई प्रकार का, और फिर बाद की लाइफ जो है कई प्रकार की इन लोगों की प्रॉब्लमैटिक होती है, वो थोड़ी कठिन होती है, 40s तक आते आते हो सकता है कई प्रकार की परेशानियां जो हैं आदमी को उठानी पड़े। तो ये वाला जो एक्सिस है आप कह सकते हैं कि आप लोगों को जो है यंग एज में काफ़ी जो है मददगार करता है, फर्स्ट हाफ में ज़्यादा मददगार रहता है। और एक बात और है, जो सेकंड हाफ होता है यहाँ पे आदमी का, उसको वहाँ पे कुछ पाने के लिए, जैसे आपका 40 इयर्स के बाद आप कह सकते हैं कि जैसे 42 इयर्स के बाद आप कह सकते हैं कि अगर उसके बाद आपको अगर कुछ पाना है तो केतु को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है नाइन्थ हाउस में, तब नाइन्थ हाउस की जो चीज़ें हैं भाग्य है, आपके फॉर्च्यून है, धन है, किसी भी तरीके का मटीरियलिज्म है, तभी आपको देखिए मिल पाता है, अन्यथा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर केतु नौवें घर में जो है सुंदर पोजीशन में नहीं बैठा है या उसका डिस्पोजिटर अच्छे पोजीशन में नहीं बैठा होता है तो बाद की लाइफ अपनी दशा में केतु जो है कई तरीके की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में ला सकता है, कई तरीके की एकदम से ग्रोथ रुक सकती है आप लोगों की। और जिन्होंने अपने जीवन में सारा समय मटेरियलिज्म की तरफ भागे हैं, हमेशा पैसा इकट्ठा किया है, चीज़ें बनाई हैं, डिज़ायर्स हैं, हर प्रकार का लाइफ, आज राहु ने उन लोगों को जो है जीने के लिए मजबूर किया है इस जीवन में, क्योंकि वो तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो फिर देखिए जब केतु का टाइम आता है 47 से लेके आगे तक की, फिर आप ये समझ सकते हैं कि वो कई प्रकार के आपको हार्ड लेसन्स जीवन में सिखाता है, कई प्रकार के आपके ज़मीन के नीचे से जो है वो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन घसीट देता है एक तरीके से, तो सब कुछ एम्प्टी कर देता है, कई प्रकार के आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, जहां आपके फंड रिलेटेड परेशानियाँ काफ़ी खड़ी कर देता है आप लोगों के लिए। और अगर केतु सुंदर पोजीशन में बैठा होता है तो फिर इस एज में अगर आप लोगों को कोई पोजीशन आ रही होती है इस तरीके की परेशानी की, तो वो आप लोगों के भाग्य को बढ़ाता है, हर प्रकार की आपको सुंदर स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, आपके ज्ञान के द्वारा हर प्रकार के आपके लाभों के रास्ते
खोल भी देता है नौवे घर में बैठा हुआ केतु, अन्यथा कई प्रकार की परेशानियां यहाँ पे देखी जाती हैं। और चेंज बहुत जरूरी है, केतु करवा के रहता है आदमी को। शुरुआत में ना भी माने जो आदमी राहु की वजह से तीसरे घर में के प्रभु को, भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को, गुरुज को, कुछ ना माने बड़ों की आज्ञाओं को, लेकिन अंततः आखिरी में केतु जो है उनको इस तरफ लेके जाता ही जाता है, उनको आखिरी में ये मानना ही पड़ता है। बैलेंस इसीलिए मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शुरुआत से इस चीज़ का बना के रखना। जब केतु नौवें घर में बैठा होता है तो अपने पिता के साथ किसी ना किसी प्रकार का डिफरेंस होता है आदमी की लाइफ में, चाहे वो दूर हो जाए उनसे, चाहे आपके पॉइंट ऑफ व्यू ना आपस में मिलते हों, तो पिताजी के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छा, अच्छी तरीके से यहाँ पे केतु जो बैठा होता है वो नहीं बनने देता। अपने गुरुओं को या अपने रिलीजन को मानना, एक जो सेट स्टैंडर्ड चल रहा है उससे परे जाके चीज़ों को मानना, कोई आप किसी रिलीजन में पैदा हुए हैं, आपको कोई दूसरे रिलीजन की बातें अच्छी लगती हैं, या जो सेट स्टैंडर्ड्स आपके ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, आपको जीवन में वो पसंद नहीं आएंगी, जो आपको बताया जाएगा, जो सेट रूल्स हैं, आप उस पे नहीं खरे उतरते हैं जब केतु नौवें घर में बैठा होता है। पिता के साथ कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कई प्रकार के इनहेरिटेंस आपको मिलने में, जो पैतृक संपत्ति होती है वो मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब केतु नौवें घर में बैठा होता है और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता। अपने घर वाले मदद नहीं करते हैं, बाहर के लोग चाहे आपको आके मदद कर दें लेकिन अपने घर वाले मदद नहीं करते हैं। यहाँ पे केतु बैठा हुआ आदमी को बहुत ज़्यादा कनिंग नहीं बनाता है, वो उनको इस तरीके की वृत्ति नहीं देता है कि वो चापलूसी करके किसी चीज़ में आगे बढ़ जाए या कोई चीज़ कर पाए इस तरीके से, क्योंकि अपने में एक थोड़ी सी शो एंड पॉम्प यहाँ पे केतु भी देता है, अपने आप को कुछ समझने की वृत्ति देता है, इसीलिए ये लोग अपने काम नहीं निकलवा पाते हैं लोगों से ज़्यादा, कोई चलाकी नहीं दिखा पाते हैं यहाँ पे, लोगों को फ्लैटरी में नहीं उनकी कहीं किसी तरीके की करके तब अपने काम निकाल ले, ऐसा उनसे हो नहीं पाता है। तो केतु यहाँ बैठ के कई प्रकार की प्रॉब्लम्स ऐसे भी क्रिएट करता है। संतान के रूप में पुत्र अवश्य प्रदान करने की कोशिश करता है जब केतु नाइन्थ हाउस में बैठा होता है। इनहेरिटेंस के लिए मैंने आपको बताया, पैतृक संपत्ति के लिए बहुत मुश्किल होती है, अपनी आज़ादी के लिए भी बड़ी लड़ाई लड़ता रहता है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है व्यूज़ में, हर चीज़ में बंधना नहीं चाहता है किसी चीज़ में कि उसको बांधा जाए, जो कि अंततः उसको बंधना ही पड़ता है उन चीज़ों में, क्योंकि वो चीज़ें केतु जो हम लोग करते हुए आए हैं पिछले जन्म में, तो वो देखिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, टीचिंग, बड़ों का आदर, गुरु का आदर, लेकिन क्योंकि राहु अब तीसरे घर में बैठा होता है तो हम लोग हर उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहां राहु बैठा होता है, तो हम नौवें घर की चीज़ों को अपने जीवन में अवॉइड करते रहते हैं या उनको टालते रहते हैं या उनको कुछ समझते नहीं हैं या हम उनको समझना नहीं चाहते हैं, और जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन जो है अव्यवस्थित हो जाता है, चाहे वो हायर नॉलेज भी हो, चाहे गुरुज हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, चाहे हमारा वो फ्यूचर हो, बहुत ज़्यादा हम लोग इस मामले में जो हैं अपने में पैशनेट नहीं होते हैं या बड़े स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं कि हमको इनको फॉलो करना है, तो इसीलिए हम लोगों का ये डिस्टर्बेंस जो है हमारी लाइफ में हम लोगों को गाड़ी से उतार देता है ये एक्सिस वाला, राहु और केतु वाला, जब केतु नाइन्थ हाउस में बैठा होता है। और फिर अपने रिलीजन्स को ना मानना, अलग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के रिलीजन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना, उसकी वजह से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, अपने जगह से हट जाना, अपने लोगों के बीच में से हट जाना, अपने लोगों से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटिव से भी क्रिएट हो जाना, तो कई प्रकार की यहाँ पे चीज़ें केतु करता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया, बाहर के लोग चाहे हेल्प कर देंगे, घर वाले उनकी हेल्प नहीं करेंगे, यहाँ पे बैठा हुआ केतु कई बार अपने ही घर के द्वारा, कोई हो सकता है कि आपके घर के में ही कोई रिलेशंस में हो जो कोई आपकी तरफ जो है प्रेम व्यवहार की तरफ इच्छुक हों, आगे बढ़ें या कोई सेक्सुअल इनकाउंटर्स करें, घर ही के अंदर के लोग जो होते हैं
इस तरीके का काम करते हुए देखे जाते हैं नियर और डियर वंस के, जहां आपका वो फायदा उठाना चाहते हैं। तो नौवें घर का केतु कभी कभार इस तरीके की भी जीवन में स्थितियां आदमी को दिखा देता है। यहाँ पे बैठा हुआ केतु जो है सुंदर अपॉर्चुनिटीज आपको जीवन में नहीं लेने देता है, पैसा कम दिलवाता है, जो आपकी जितनी भी मेरिट होती है जीवन में उससे कम आका जाता है आपको। तो केतु यहाँ पे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा वेल्थ के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, जब तक बहुत सुंदर साइन में ना बैठा हो, उसका डिस्पॉजिटर कहाँ बैठा हो ये भी देखा जाता है। और जब अच्छे साइन में बैठा होता है तब ये एक्सिस जो है राहु केतु का बहुत सुंदर प्रूव होता है। एक तरफ आप मटीरियली भी बहुत अच्छा करते हैं, स्पिरिचुअल साइड भी बहुत अच्छा करते हैं, बैलेंस बना के जीवन में चलते हैं, सारे अपने रिश्तेदार अपनी कम्युनिकेशन उसको भी बहुत सुंदर तरीके से निभाते हैं, साथ में अपने टीचर्स गुरु अपने रिलीजन अपने माता पिता का भी सम्मान बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो दोनों धुरी जो हैं आप ये समझ लीजिए संभाल के चलते हैं जब ये अच्छे रूप से काम कर रहा होता है। और कई बार जब केतु यहाँ खराब बैठा होता है या किसी ऐसे ग्रहों के साथ कंजंक्शन कर रहा होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो हैं कट्टरवादिता में भी पड़ जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेके अपने आइडियाज़ को लेके अपने व्यूज़ को लेके, और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस पैदा कर लेते हैं चीज़ों के साथ, या बिल्कुल अलग रूटीन अलग रास्ते पर अपने जीवन में चल पड़ सकते हैं। इसीलिए बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राहु और केतु के इस एक्सिस में, जबकि ये बहुत सुंदर एक्सिस है, हर प्रकार के लाभ आपको ज़्यादातर देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं अपने जीवन में और कितने ज़्यादा आपको दया भाव है जीवन में, इसके बाद बारे में भी बहुत ज़रूरी है कि आप या तो एग्रेसिव हो जाएंगे और या आप कंपैशनेट रहेंगे। तो दोनों चीज़ों के बीच में आप लोगों को अपना बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़्यादातर आजकल के ज़माने की मटेरियल चीज़ों को ही सिर्फ देखते रहेंगे या प्रभु को या स्पिरिचुअलिटी को डिवाइन पाथ को उनको भी समझेंगे, क्योंकि अंततः आपको ले कर फिर वहीं जाना पड़ेगा। राहु आपसे चीज़ें करवा जरूर रहा है तीसरे घर में बैठा हुआ, लेकिन अंततः आपको जाना केतु की ही तरफ पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको मुक्ति है, वहीं से आपको हर प्रकार का मोक्ष है। ये आपको चुनना पड़ेगा कि आपका जो जिस तरफ इंक्लिनेशन है, जिस तरफ रास्ते ले जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, या आपको एक क्लियर कट पाथ दिखाई दे रहा है जिसपे चलना जो है सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा, इसमें आप लोगों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जीवन में, जब आप सही तरीके से बैलेंस बना के यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे बैठे हुए तीसरे घर के राहु और नौवें घर के केतु फिर आपको हर प्रकार का लाभ प्रदान करेंगे। हाँ, इनके डिस्पॉजिटर अवश्य देख लीजिए आपकी पत्री में कहाँ बैठे हुए, जो आपकी इन चीज़ों में कई प्रकार का फायदा प्रदान करेंगे, सपोर्ट करेंगे, या फिर इन चीज़ों को और बिगाड़ देंगे कई चीज़ों में। तो क्योंकि तीसरा घर जैसे मैंने बताया है डिज़ायर का है और हर तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो नौवा घर भी देखिए कोई टीचिंग का है, और अच्छी ही टीचिंग नहीं होती हैं, गलत भी टीचिंग आदमी के मन में आ सकती हैं, गलत भी उसके व्यूज़ हो सकते हैं, गलत तरीके से भी वो सोच सकता है, जो उसका सोचना हो सकता है सही ना हो और उसकी वजह से वो अपनी बर्बादी कर सकता है। तो देखिए ये दोनों एंगल बहुत ज़्यादा जो हैं प्रॉफिट देने वाले भी हैं ये वाला एक्सिस, और कई तरीके की आपको अपने पाथ से नीचे उतार देने वाला भी है। तो पूरी पत्रिका देख के उसके ऊपर क्या क्या असर पड़ रहे हैं, इनके डिस्पॉजिटर कहाँ बैठे हुए हैं, ज़्यादा कुशलता से आप लोगों को पता चल पाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उनके उत्तर दे पाऊँ। जय श्री कृष्ण।